अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आइए अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। दुआ कुछ यूँ है, रब्बी शराहली सदरी व यस्सिरली अमरी। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम मेरे लिए आसान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम किड्स, कैसे हैं आप? आज के इस लेसन में हम कलर्स के बारे में जानेंगे और जिस कलर की आज हम पहचान सीखेंगे वो है ब्लू कलर। जी हाँ, ब्लू कलर जिसको उर्दू में नीला रंग भी कहते हैं। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। किड्स, कैन यू सी अ बॉक्स हेयर? क्या आपको कोई बॉक्स नजर आ रहा है? जी हाँ, इट हैज नो कलर, इसका कोई रंग नहीं है, कोई कलर नहीं है। बट नाउ इट इज ब्लू, अब ये नीला हो गया है। तो बच्चों, ये होता है नीला कलर यानी ब्लू कलर। तो चलिए अब हम कुछ शेप्स की पहचान करते हैं जो कि होंगी नीले कलर में यानी ब्लू कलर में। ये एक सर्कल है और ये ब्लू है। इट इज अ सर्कल एंड इट इज ब्लू। It is a blue circle. ये एक ellipse है और ये blue है। It is an ellipse and it is blue. It is blue ellipse. ये एक स्क्वायर है और ये ब्लू है। इट इज अ स्क्वायर एंड इट इज ब्लू। इट इज अ ब्लू स्क्वायर। ये एक रेक्टेंगल है और ये ब्लू है। इट इज अ रेक्टेंगल and it is blue. It is a blue rectangle. ये एक triangle है और ये blue है। It is a triangle and it is blue. It is a blue triangle. ये एक डायमंड है और ये भी ब्लू है। इट इज अ डायमंड एंड इट इज ब्लू। इट इज अ ब्लू डायमंड। ये एक स्टार है। डियर किड्स, नाउ वी सी सम थिंग्स इन ब्लू कलर। बच्चों, अब हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो कि होती हैं ब्लू कलर में। स्काई यानी आसमान, ये भी ब्लू कलर में होता है। आसमान का रंग ब्लू होता है। इसी तरह वाटर यानी पानी, वाटर का कलर भी
ब्लू होता है, वाटर का कलर भी ब्लू होता है। इसी तरह समुंदर में रहने वाली व्हेल, ब्लू व्हेल का कलर ब्लू होता है। फूलों पर रहने वाली खूबसूरत सी बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज के बहुत से कलर्स होते हैं, इनमें से एक कलर ब्लू भी होता है जिसको ब्लू बटरफ्लाई कहते हैं, ब्लू बटरफ्लाई। ब्लू कलर का एक पैरट होता है जिसको ब्लू बर्ड भी कहते हैं, ब्लू पैरट या ब्लू बर्ड। ब्लू कलर में इंक भी होती है जो हमारे पेन में या पेंसिल में होती है जिससे हम राइटिंग करते हैं। नाउ डियर किड्स, लुक अराउंड यू एंड फाइंड द थिंग्स इन ब्लू। आप अपने इर्द गिर्द में देखें और वो चीजें तलाश करें जो कि ब्लू कलर में है। दैट्स द एंड ऑफ आवर लेसन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज। अपने सबक का इख्तिताम हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के साथ करते हैं, जो दुआ वो अपनी हर नमाज के इख्तिताम पर अल्लाह ताला के हुजूर मांगा करते थे। दुआ कुछ यूं है, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।